नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक बार फिर से निकाय चुनाव पर आज सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर लगातार पेट फंसा हुआ है। पिछले तीन दिनों से ऐसा ही हो रहा है, सुनवाई होती है, कल भी सुनवाई टल गई थी और आज का वक्त दिया गया था, लेकिन आज पता चल जाएगा कि अगली सुनवाई कब होगी। अगली सुनवाई के बारे में अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण पर पूरा जो पेच है वो फंसा हुआ है और सभी दलों की नजर इसी पर है कि आगे अधिसूचना पर क्या कुछ हाईकोर्ट का फैसला आता है। फिलहाल अधिसूचना पर रोक बरकरार है कोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि इस पर लगातार लखनऊ बेंच सुनवाई कर रहा है, लेकिन जो डेट है वो नहीं मुकर्रर हो पा रही। और संदीप जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, ये पहले से ही तय था कि जब तक कोर्ट राज्य सरकार की सभी दलीलों से संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो स्टे को नहीं हटाएगा। अब देखिए लगातार जिस तरीके से तारीखें मिल रही हैं और ऐसा माना गया था कि आज या कल में इस तरीके से जो भी मामले लगातार कोर्ट में जा रहे हैं उस पर सुनवाई पूरी हो जाएगी, स्टे हटा लिया जाएगा, लेकिन ये तय है कि कोर्ट अभी सभी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए पूरा जो ये पेज फंसा है ओबीसी के आरक्षण को लेकर पेज फंसा है कि इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी करी गई है और उसी के साथ साथ जो नगर निगम में जो प्रशासकों की नियुक्ति की गई है वो किस आधार पर करी गई है, जबकि जिस तरीके से दलील दी गई है कि 2017 के जो आरक्षण उस समय किया गया था उसी को ही आधार मानकर इस बार किया जाए। लेकिन मामला देखिए अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि आज बताया जा रहा था कि 2 बजे के बाद में जब लंच होगा उसके बाद कुछ ना कुछ जो बातें हैं वो सामने आएंगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई और ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब कोर्ट की तरफ से ये बातें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन स्वाति देखिए कोर्ट से जुड़ा मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अगर समाजवादी पार्टी हो, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने देखिए दिल्ली में जिस तरीके से हमारे सहयोगी स्वाति से बातचीत करते हुए ये कहा है कि विपक्ष जो है वो लगातार रोड़े डाल रहा है और उसी के साथ साथ जिन्होंने पिटीशन दाखिल करी है वो कौन है ये सब लोग जानते हैं और विपक्ष इसलिए रोड़े डाल रहा है क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। हालांकि कोर्ट से जुड़ा मामला है, इसमें राजनीति बयानों से सभी नेताओं को बचना चाहिए, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं तो वो देखिए संदीप यही बयान तो है जो चुनावी माहौल में सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरक्षण जो ओबीसी का है उस पर जो पूरा पेच है वो फंसा हुआ है आरक्षण को लेकर, क्योंकि ये जो पूरा मामला है कोर्ट में अभी फिलहाल विचाराधीन है। कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है, अधिसूचना आगे जारी होगी या फिर रोक बरकरार रहती है, लेकिन अभी राजनीतिक दलों की बात करें संदीप, आप खुद बता रहे हैं धड़कनें तो तेज होंगी क्योंकि लगातार सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं निकाय चुनाव को लेकर। बिल्कुल स्वाति, देखिए इस बार का निकाय चुनाव 2017 की तरह का निकाय चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार दिक्कत है, जहां कह सकते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाई थी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उसके मेयर थे, खाली 2 मेयर जो है वो दूसरी पार्टियों के थे। इस बार देखिए समाजवादी पार्टी भी दमखम के साथ में खड़ी है, अगर उसी के साथ साथ बातचीत करी जाए आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी ताकत लगा रही है, तो देखिए मुश्किल है। निकाय चुनाव जो है इस बार सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं से निकाय चुनाव में बाजी मार ले जाता है, लेकिन इस बार देखिए हवा बदली हुई है क्योंकि तमाम तरीके के चुनाव आपने भी देखे और हमने भी देखे कि किस तरीके से पार्टियों की जीत हुई और कहां पर कह सकते हैं कि अप्रत्याशित हार भी हुई है, सभी के सामने है। लेकिन जो बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो यही है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार समय बीतता जा रहा है उसमें जिस तरीके से जो बातें सामने निकल कर आ रही है, जो आम जनता है, आम जनता का कहना यह है कि निकाय चुनाव लग रहा है कि इस बार अभी जल्दी में ही नहीं, बिल्कुल अंतिम समय में संदीप सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी।